वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम चला रहे हैं निंजा ZX10R विंटर एडिशन, लिमिटेड एडिशन। तो बात करें बाइक की तो बहुत लोग कंफ्यूजन होता है यार विंटर एडिशन देख के कि ये 10R है, बट दिस इज 10R, साइड में लिखा भी होता है। और 2016 में ये सिर्फ यहाँ मॉडल लॉन्च हुआ था, तो बहुत कम लोगों के पास ये बाइक है। एक्चुअली बरेली में कुछ दिन पहले ही आई है सद्दाम के पास, एंड थैंक्स टू सद्दाम फॉर द बाइक एंड फॉर द ब्लॉग टू। तो और बात कर लें इस बाइक की प्राइस की, तो ये है अराउंड 80-90 लैक्स की, और ऑन रोड आपको पड़ेगी 20 अराउंड। एंड बात करें पावर की, तो पावर इसमें आपको मिलती है 203 BHP, और मोड्स आपको मिल जाते हैं 3 राइडिंग मोड्स विद 5 ट्रैक्शन कंट्रोल। और बात करें राइडिंग मोड्स की, तो इसमें पहला मोड मिलता है हमें L, दूसरा मिलता है हमें मीडियम, एंड तीसरा मिलता है F। बात कर लें बाइक की, तो दिस इज इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक, जो कि आई गेस 1000 CC में बहुत ही अच्छी बाइक वैल्यू फॉर मनी है। और 10R एक्चुअली मुझे बहुत पर्सनली ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है। एक Q&A हुआ था, उसमें किसी ने मुझसे पूछा भी था आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है 1000 CC, तो मैंने बताया भी था आइदर S1000RR और 10R, तो ये दो बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अपनी एक ड्रीम बाइक की राइड तो मैं ले ही चुका हूँ, इसलिए ले रहा हूँ अभी, और जिस दिन S1000 होगी बरेली में उसकी राइड भी लेंगे, हो सकता है इन फ्यूचर खुद की हो। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं स्पीडिंग क्यों नहीं करता, तो यार बात सिर्फ इतनी सी है कि आई डोंट वांट टू प्रमोट स्पीडिंग। कंटेंट जितना सिंपल जितना अच्छा रख सकते हैं हम उतना रखेंगे। और ये जो मैं बाइक चला रहा हूँ इसमें लगा है CR का रेस लिफ्ट एग्जॉस्ट, जो कि फुल सिस्टम है, और एक जो ग्रीन वाली थी उसमें स्टॉक का लगा हुआ था। सो आई थॉट ऑफ कि स्टॉक का बनाने से अच्छा है कि मैं कुछ अलग बनाता हूँ थोड़ा। बात करें बाइक की पावर की, तो बहुत ही अच्छी है। अभी मैं इसे चला रहा हूँ F मोड पे, विच इज़ फन मोड विथ बी गुड, एंड साउंड इज ऑल्सो टू गुड। और बात कर लें ये, तो ये है स्टीयरिंग टेम्पर, जिससे क्या होता है कि जो हमारा हैंडलिंग कंट्रोल वगैरह होता है वो बाइक का ठीक रखने के लिए। और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है 10R, इसे थोड़ा भगा के देखते हैं। प्रो 169 आई गेस इतना भगाने के दिखाने के लिए ठीक था, मैं ज़्यादा पुश नहीं करूँगा टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज किसी दूसरे की बाइक जब भी आप लो तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाओ। अब मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि बहुत लोग कमेंट करते कि मैंने हायाबूसा चलाई है, मैंने कोई भी सुपर बाइक चलाई तो मैंने भगाई क्यों नहीं। तो मेरा एक ही आंसर है कि मैं स्पीड प्रमोट नहीं करता, एंड राइडर का सबसे पहला एक जो रूल होता है वही होता है राइड सेफ, एंड आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करो टू राइड सेफ, नॉट टू स्पीड अननेसेसरी। एंड भाई लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। और एक चीज़ और है इस बाइक में, BHP जो पावर है हमारी वो इंक्रीज भी हो सकती है, वो कैसे, जो रैम पेयर होता है पाइप होता है वो आगे से जो जहाँ पे इसका स्पेस होता है वहाँ से डलता है टू फिल्टर कनेक्ट होता है, एंड इसकी पावर 210 हो जाती है। एज यू कैन सी सबसे अच्छी बात 10R में क्या लगती है, ये जो इसका RPM मीटर है, ये जब हल्का हल्का ऊपर उठता है ना, ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ है उसका एकदम गुस्सा हल्के के बढ़ रहा है, एग्रेशन हल्के आ रहा है, बहुत प्यारा लगता है। सो 10R मुझे वो चीज़ बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखिए ये जो चीज़ है ना RPM वाली, ओहो भाई दिल ही ले जाती है बिल्कुल। और बाकी बाइक बहुत अच्छी चलाने में कंफर्ट एंड समथिंग। जब मैंने पहली बार चलाई थी तो मुझे दिक्कत थी, तो क्या हुआ था कि जैसे पहली बार चलाओगे तो जो गर्दन आपकी नेक है उसमें पीछे बोन में आपको पेन थोड़ा फील होगा, बट आज जैसे थोड़ा रेगुलर चलाओगे तो आपको आदत हो जाएगी। पहली बार चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट बाइक बहुत कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स, और राइडिंग के लिए भी पावर स्मूथनेस सब कुछ बहुत अच्छा है। और आपको ब्लॉग कैसा लगा ये आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और विल ट्राई किया और अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छी बाइक्स लाएं। और एक चीज़ बोलूँगा, ऑलवेज वेयर हेलमेट गियर्स एंड राइड सेफ, और कभी भी गलत चीज़ से इन्फ्लुएंस मत हो, स्पीड नेवर गिव्स एनीथिंग, और लाइफ से ज़्यादा प्रीशियस कुछ नहीं होता, तो जितना आराम से जितना प्यार से चल सको उतना प्यार से चलो। तो अभी जैसा आप देख सकते हैं मैं फन मोड पे चला रहा हूँ, F मोड जिसका सबसे हाईएस्ट मोड होता है, और स्टिल आई एम गोइंग वेरी सेफ, ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ 1, तो वो चीज़ मेरे कंट्रोल में। बट आप कभी भी सुपर बाइक चलाओ तो उसका ट्रैक्शन कंट्रोल जितना कम हो सके उतना कम रखो, एंड ट्राई करो कि सेफ राइड कर सको, क्योंकि राइड सिर्फ मज़े के लिए करो नॉट फॉर स्पीड, क्योंकि स्पीड से कुछ नहीं होता। जब आप एक बार थोड़ा सेंसिटिव लाइट्स करने लगोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
करते हैं ये ब्लॉग यहीं पे। अभी हम आए थे यूपी बाईस ढाबे पे राइट पे, और अभी निकलने का टाइम हो रहा है, तो जितना हो सकता है 10 आवर में उसने हमने उसका उतना ब्लॉग बनाया है। बाकी आपसे मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग, राइट सेफ।